नंबर वन क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनुमान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। पैरी मैच जीतने को तैयार। आती हूँ। सिरिना, हाय। एम्बर, अंदर आ जाओ। हम सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा धीमा है, ज्यादा पुराना। इस तरह ज्यादा मजेदार है। ठीक है, हम पहुंच गए, आगे बढ़ो। वाह, खुल जगह है। तो हम पैसे जमा कर रहे हैं फर्नीचर खरीदने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ये बहुत कंफर्टेबल है। चलो बैठ जाते हैं। क्या तुम्हें पानी या वाइन या कुछ चाहिए? जो उम्मीद है तुम्हें भीड़ से कोई परेशानी नहीं है। इस घर में पोर्ट का साथ दिया जाता है। मैं किसी भी चीज के साथ ठीक हूँ। सिरिना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है बेन। बेब, इसे डरा के भगा मत दो। तुमसे मिलके अच्छा लगा बेन। हे, मुझे भी। ठीक है, तो हमने कभी एक हाउसमेट नहीं रखा है पहले कभी लैंडलॉर्ड नहीं बने हैं, तो मुझे माफ कर देना अगर मेरी सोच उल्टी सीधी हो तो। लेकिन तुम बहुत कूल दिखती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें सब चीजें दिखा दूं, और अगर तुम्हें ये पसंद आए फिर हम सारा बिजनेस बाद में कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद है। कूल बिजनेस तुम्हारा पार्ट है बेब। शुक्रिया। बढ़िया, मैं तुम्हें सब चीजें दिखाती हूँ। तो हमारा किचन यहाँ है, जाहिर है दा, लेकिन बेन थोड़ा सफाई के पीछे पागल है। चिंता मत करो, मैं सफाई के पीछे पागल हूँ। क्या तुमने ये सुना बेबी? कमाल है। और ये वो जगह है जहाँ पे बेन शोर मचाता है। मैं हेडफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ जब भी तुम घर पे हो? चिंता मत करो, मैं घर के बाहर रहती हूँ, क्लाइंट्स के पास जाती हूँ। क्लाइंट्स? सच में? तुम क्या करती हो? मैं बनाती हूँ एक्ट पीस, छोटी जैम से भरी बॉल्स, मेरे क्लाइंटों की जरूरत के लिए मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जैम स्टोन्स और एसेंशियल ऑयल और स्पाइसेस। ये अजीब सुनाई देता है, लेकिन लोग पैसे देते हैं उनके लिए। वाह, नहीं, कमाल का सुनाई दे रहा है। और ये मेरी जगह। Is my space. Thank you.
आर्टिस्ट हो? काश मैं पोस्टर आर्ट बनाती हूँ इन मजाकिया लो बजट वाली हॉरर मूवीज के लिए। लोग अच्छे पैसे दे सकते हैं उनके लिए, बस मुझे नहीं देते उन सेलिब्रिटीज को हॉरर कन्वेंशन में जो उन्हें साइन करते हैं। मुझे हॉरर फिल्म से प्यार है, मैंने तुम्हें गूगल किया था, तुम्हारा काम पता है। सच में? ये फनी है। ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, मैं एनिमेशन बना रही हूँ नमक से, लेकिन मैंने बस 10 फ्रेम शूट किए हैं अभी तक। नमक, मैं बहुत ताकतवर मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सच में? मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये सस्ता है। वो हमारा कमरा है, अभी दिखाने लायक नहीं है। और ये तुम्हारा कमरा होगा। वाह, ये बहुत कूल जगह है और पड़ोस बहुत अच्छे हैं। एक बार तुम्हें समझ आ जाए कि किन सड़कों से बच के रहना है तो मुझे पूछना होगा। तुम कहाँ रह रही हो अभी? तुम मूव क्यों कर रही हो? और क्या मुझे रिकमेंडेशन मिल सकती है पिछले मकान मालिक से? वेल, मेरी स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जी रही थी, जल्द ही एक्स होने वाला है, मैं उसके साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे ये जल्दी करना होगा। ठीक है, वेल कैसा रहेगा, एक दोस्त या एक क्लाइंट जो तुम्हारे लिए कुछ बोल सकता है? मेरे क्लाइंट सारे बहुत प्राइवेट हैं और मेरे सारे दोस्त मेरे क्लाइंट भी हैं, तो मैं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 9 महीने का किराया पहले ही दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया एम्बर, मुझे सच में इस जगह से प्यार है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ। प्लीज उसकी चिंता भी मत करो, मैंने भी काफी बकवास ब्रेकअप सही है, मेरा यकीन करो। ये कितनी परफेक्ट टाइमिंग है, वो शहर से बाहर है 1 हफ्ते के लिए, मेरे दोस्त मेरा यहाँ मूव करने में मदद करेंगे। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। वेल, ऐसा लगता है तुम कई लोगों को जानती हो और तुम बिल्कुल रेंट अफोर्ड कर सकती हो, तो तुम डाउनटाउन क्यों जाना चाहती हो? मैं जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर जाना चाहती हूँ अपनी पिछली जिंदगी से, और मुझे तुम पसंद हो, मुझे यहाँ की वाइब पसंद है, ये मदद करता है आर्ट बनाने में। मैं वादा करती हूँ मैं एक अच्छी हाउसमेट बनूंगी, हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं। मुझे ये पसंद आया। ठीक है, वेल कल मिलते हैं। ये कूल लगती है ना? हाँ, एक नई लड़की होने के लिए। गांडे को मिलाता हूँ बेब। तुम मेरी वजह से नहीं जा रही? नहीं, हमें कुछ शो करने हैं कष्ट के ऊपर। वाह, कुछ फैंसी नहीं है, पता है वन में बैंड, मैकडोनल्ड और टेको बेल है। बैंड का नाम क्या है? कॉपलर एम्लाइटिस, थियासिक स्पेल होती है, क्योंकि हम कान को आराम देते हैं और हमारे सामान बाकी बैंड से ज्यादा अच्छे हैं। ये फनी है। हुंड में स्वागत है। शुक्रिया। वाह, ये खूबसूरत है। ये खूबसूरत होने से ज्यादा है, हर एक पत्थर की खुद की मेटाफिजिकल ताकत है। तुम्हें एम्बर की ऐसी टेरिक प्रॉपर्टी पता है? दरअसल मुझे नहीं पता। एम्बर अच्छी किस्मत को आकर्षित करता है, ये नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना देती है। ध्यान से, इसके साथ
साथ ध्यान से रहो, ये मेरी सबसे कीमती चीज है, ये हजारों साल पुरानी है, ये एक तोहफा था मेरे एक्स से। थोड़ा डरावना सा दिखने वाला तोहफा है, इसलिए मुझे इससे प्यार है, ये काफी अजीब है। सही कहा वेल, मैं तुम्हें सेटल होने देती हूँ, अगर तुम बाद में साथ में हैंग आउट करना चाहती हो तो एक बढ़िया थाई रेस्टोरेंट बढ़िया सुनाई दे रहा है, शुक्रिया। सरप्राइज है। क्या तुम मतलब मंत्र पढ़ रही थी या कुछ? Something. मंत्र नहीं, मैं बस काम करते हुए गा रही थी। सॉरी, मैं ये करती हूँ। वो क्या है? Is that? ओह वाह, ये खूबसूरत है। वाह, और ये इतनी अच्छी खुशबू दे रहा है, शुक्रिया। ब्लैक मूनस्टोन नई शुरुआत के लिए, अमेथिस्ट और मेलाकाइट औरतों की ताकत और अक्लमंदी को बढ़ाने के लिए, पाइसेस और पंख हमारे डिजायर को हवा में उड़ाने के लिए, जैसी अगरबत्ती दुआओं को उठा देती है। Jesus. तुम्हें क्या चाहिए एम्बर? तुम्हें सच में क्या चाहिए जिंदगी से? मैं चाहती हूँ एक आर्टिस्ट बनना, और मैं खुश होना चाहती हूँ, और मैं बच्चे करना चाहती हूँ, किसी दिन, अभी नहीं। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? लगभग ये ही, आर्टिस्ट, खुशी, पैसा। एक आदमी नहीं चाहिए, हो सकता है एक बच्चा, लेकिन मुझे प्रेग्नेंट होने के आइडिया से नफरत है। मैं एक सैरोगेट को हायर करना चाहूंगी, या एक औरत से शादी करना चाहूंगी। अच्छा आइडिया है, मैं बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग। हे, तुम जल्दी उठती हो। मुझे उम्मीद है, मैंने तुम्हें उठाया नहीं। चीयर्स। ये क्या है? खुफिया फॉर्मूला हेल्थ और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। हेलो, हाँ मैं वो ही हूँ। हाँ क्या? ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ बाय। अजीब। क्या? मुझे सबसे ज्यादा कमाल की जॉब मिली है अभी। ये कमाल की बात है। एक पोस्टर बनाने के लिए, तुम्हारे आर्ट के एग्जीबिशन के लिए। तुम
तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गैलरी के मालिक को बताया कि मैं एक जवान पोस्टर आर्टिस्ट के साथ रहने लगी हूँ। वो जॉब उनका आइडिया था। वेल, उसके लिए चीयर्स। नई शुरुआत के लिए। लगता है तुम्हारा हाउस वार्मिंग तोहफा काम कर रहा है। वो हमेशा करते हैं। मैं कुछ स्टिल फोटोग्राफ से शुरू करूंगी और फिर मैं उन्हें फोटोशॉप के लिए ले जाऊंगी और एक तरह से इन्हें बदलूंगी। हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ मिलेगा जो क्लासिक होगा और अजीब भी। मुझे तुम पे भरोसा है। स्माइल या स्माइल के बिना कुछ मत करो, बस पागल सोचे सोचो। एम्बर, एम्बर क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं सॉरी, मुझे एक बहुत अजीब सपना आया। तुमने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। मुझे शायद तुम्हें बता देना चाहिए, मुझे ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे एक ज्यादा ही चलने वाली इमेजिनेशन। और ये सब बेहतर रहा है काफी समय से। मैंने एक साल से गोलियां नहीं खाई हैं, लेकिन मुझे अभी ये बहुत खतरनाक डरावने सपने आते हैं। मुझे नहीं पता, मैं उन्हें याद नहीं कर सकती, वो इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं। वो जैसे टुकड़े होते हैं मेरी जिंदगी के सारे मिले हुए इस खतरनाक सपने में। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने तुम्हें जगा दिया। उसकी चिंता मत करो, ये लो वापस सो जाओ। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। गॉड, आह, मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। डरो मत, मेरी बहन को बुरे सपने हमेशा आते हैं। तुम्हारे साथ बेड में रेंग के आना हमेशा होने वाली चीजें नहीं होंगी, जब तक कि तुम न चाहो ये हो। Thank you.
हे दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। hey, बेबी, वो क्या गंध आ रही है? यहाँ गंध नहीं आ रही, अगर किसी चीज में से आ रही है तो वो तुम्हारे गंदे कपड़े हैं। ऐसी गंध आ रही है जैसे यहाँ कुछ मर गया है। क्या बकवास है यार। ये क्या है? Is that? ये सिरिना का आर्ट है, ये खूबसूरत है ना? ये एक गिफ्ट है घर के लिए, अच्छी किस्मत और नई शुरुआत के लिए। अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, अजीब बात है। ट्रिप कैसी थी? बुरी नहीं थी, कुछ लोगों के लिए प्ले किया, थोड़ा मर्च भेजा। मैं टी शर्ट चाहिए। जरूर। बहुत अच्छी दिख रही हो यार, मुझे फोटो ले दो इंस्टाग्राम के लिए। नहीं, सोशल मीडिया नहीं। कोई बात नहीं बेब, ये छिप रही है एक एक्स बॉयफ्रेंड से। ठीक है, समझता हूँ, कोई परेशानी नहीं है यार, सॉरी। सिरिना थोड़ी अजीब लगती है। weird. तुम्हें नहीं लगता? नहीं यार, वो कूल लगते हैं। मुझे लगा था तुम्हें वो पसंद है। मुझे है, लेकिन वो थोड़ी अजीब है। बस उसके पास अपने कदम देख के चलना। ओ बेब, क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो। इधर आओ तुम। अभी नहीं, सुबह में करते हैं। चलो, मैं पूरी तरह से थकी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे दिन मजदूरी की हो। गुड नाइट। गुड नाइट। बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, पैरीमैच.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही पैरीमैच.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, तीन पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूलेट, और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। पैरीमैच.com। बेब, तुम यहाँ हो? एम्बर, ओ शिट, नॉक नॉक। ओ हाय, अंदर आ जाओ। क्या तुमने एम्बर को देखा है? वो स्टोर गई है, चिंता मत करो, उसे हमारे बारे में नहीं पता। वाह, तो हमने सच में, ठीक है यार, हम ये नहीं कर सकते।
ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। मैं कमजोर हूँ जब खूबसूरत लड़कियों की बात आती है। शांत हो जाओ, ये मजेदार है हमारा एक छोटा सा राज होना। ठीक है, लेकिन वो क्या था? नहीं, क्योंकि मैंने खत्म नहीं किया था। मैं खतरनाक तरह से कभी भी। तुम क्या कर रही थी? तुम जानना नहीं चाहोगे। तुम क्या नहीं जानना चाहोगे? बेन अभी मुझसे पूछ रहा था अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बताया है। ओहो, चलो भी, सिर्फ अच्छी चीजें है ना बेबी। चलो मैं नाश्ते की चीजें ले आई हूँ। हाँ, वो हैरी बकवास क्या है ब्लैडर में, फिर से उसे धोना भूल गई। कूल, ये क्या है? सिरिना ने मुझे एक काम दिलाया है, एक एग्जीबिशन के लिए पोस्टर बनाने के लिए। क्लास ही सुनाई देता है ना? वाह, सिरिना कमाल की दिख रही है। ये दिख रही है ना? मैंने ये सुन लिया। और वो हरी बकवास एक महंगा मिक्स है मशरूम और जड़ों का, जो हाथों से बनाया गया है हेल्थ और क्रिएटिविटी बनाने के लिए। उसे खत्म करो, एक हिट गाना लिख दोगे। हाँ नहीं शुक्रिया, हरी बकवास साल में एक बार पीता हूँ। वाह, तुम शार्प दिख रही हो। शार्प, नया क्लाइंट है, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक। मैंने एम्बर को वो जॉब नहीं दिलवाई थी, उसने अपने खुद के काम से लिया था। और मैं कमाल की दिखती हूँ। मैं देखती हूँ तुम उसे कैसे देखते हो। चलो भी एम्बर, पागल मत बनो। देखो, मुझे पता है तुम दूसरी लड़कियों के साथ सोते हो जब तुम नहीं, सड़क पे होते किसने हो कहा? ठीक है, लेकिन अगर तुम इसके साथ सेक्स करते हो ये बहुत बहुत बुरा होगा। बेब, ये कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। गॉन्ड, हेलो हेलो बेन। ओ हे, हो हो, बिल्कुल, मैंने आपके बारे में सुना है, क्या चल रहा है? God damn, क्या परेशानी है? इस इंडी लेवल एसआर शॉट रिकॉर्ड्स ने हमें एक रिकॉर्ड डील ऑफर किया। ओह माय गॉड, ये कमाल की बात है। और एक 4 हफ्ते का टूर उनके सबसे अच्छे एक्ट के लिए ओपन करने के लिए। ये कमाल की बात है, तुम कब जा रहे हो? आज? सच में? Really? चलो भी अम्बर, ये कमाल की खबर, इसे खराब मत करो। ये है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं बस उम्मीद कर रही थी कि तुम यहाँ रहोगे कुछ मतलब समय के लिए। साथ में आना चाहती हो? दरअसल बस फूल है, मुझे बैंड को कॉल करना होगा। मैं हफ्तों में मिलते हैं बेब। हाँ, हम हर रात फेस टाइम कर सकते हैं अगर तुम चाहो। मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं, तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करते हुए खराब करने की खूबसूरती को कम मत समझो। क्या है खुद को खराब करने के बारे में? पूछो मत, ये बेवकूफी है। क्या परेशानी है? तुम फिर से नहीं जा रहे है ना? बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं यार, पर तुम्हें अच्छी खबर बता देगी और मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगा। लव यू बेब। चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बढ़िया, मिलते हैं, चलते हैं बेबी, चलो चलें। तुम्हें पता है जब तुम किसी से प्यार करते हो और तुम उन्हें इस एक तरह के कमाल की रोशनी में देखते हो और एक दिन वो लाइट थोड़ी सी
हिल जाती है, मतलब थोड़ी सी, और तुम्हें एहसास होता है कि हो सकता है वो नहीं। सबसे बड़े विजेता समुदाय का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए, स्वाइप करें। नहीं है जो तुम्हें लगता था वो है, या जो तुम उम्मीद कर रहे थे कि वो हो, क्या इसका कोई दुख बन रहा है बेन? मुझे लगता है वो अपने म्यूजिक की मुझसे ज्यादा चिंता करता है कभी कभी। तुम्हें इतना समय लगा ये एहसास करने में? वो एक आर्टिस्ट है, इसमें उसकी गलती नहीं है। तुम उससे ये लेना नहीं चाहोगी, है ना? नहीं, लेकिन काश मैं उसे बदल पाती, मतलब जैसे बिल्कुल थोड़ा सा। तुम एक बुरा मानी हुई गर्लफ्रेंड जैसी सुनाई दे रही हो, तुम्हें एक आदमी की आवश्यकता नहीं है। तुम भी एक आर्टिस्ट हो, खुद को अपने ही काम में बहा दो। हाँ, तुम सही कह रही हो, शुक्रिया। ठीक है, मुझे लगता है मुझे एक वॉक पे जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा सा वीट पीऊंगी, अपना दिमाग साफ करूंगी। शुक्रिया। गॉड, एक बहुत अजीब आदमी है बाहर। Elias, वो हमारी बिल्डिंग को देखता रहा है। मैं वादा करती हूँ ये फिर से नहीं होगा। कैसे? तुम ये वादा कैसे कर सकती हो? उसे पता है हम कहाँ रहते हैं सिरीना। मैं उसे कुछ कहूँगी जो उसे दूर रखेगा। वाह, तुम्हारी आंखें कितनी मैग्नेट जैसी हैं और जिंदा हैं। मैं उन्हें घूरना बंद नहीं कर सकती। कैमरा तुम्हारी आत्मा के अंदर देखता है। मैं ये ताकत कुछ गिने चुने आर्टिस्टों को देती हूँ। थोड़ी देर हो रही है, हम इस पे बहुत समय से लगे हुए हैं। हमें शायद जल्द ही सोने जाना चाहिए, है ना? गुड मॉर्निंग। तो चीजें बिल्कुल अजीब हो जाएंगी हमारे बीच, है ना? अजीब? अजीब क्या होगा, हम दोनों ने सहमति दी थी।
वो अच्छा था है ना? हाँ वो अच्छा था, मेरा मतलब वो सबसे ज्यादा इंटेंस था, जैसे जो मैंने आज तक महसूस किया है। तुम वहाँ नीचे क्या कर रही थी? तुम्हारी आत्मा गुदगुदी कर रही थी, जो कि रिजर्व है बिना लिमिट के आनंद और खुशी की। ये एक प्राचीन तकनीक है। वाह, वेल मुझे वो वाली सीखनी होगी। लेकिन सच में तुम बेन को नहीं बता सकती, मेरा मतलब तुम्हें कसम खानी होगी। एम्बर, चलो भी, तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है? बेन के लिए मैंने बेन के साथ सेक्स किया था। तुमने बेन के साथ सेक्स किया था? मैंने ये नहीं कहा था। क्या? मैंने कहा था तुम्हें बेन के साथ सेक्स करना चाहिए इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ करे। चीयर्स। शुक्रिया। इसमें क्या होता है वैसे? ये बहुत ज्यादा गैस बना देता है। ये अच्छी बात है, ये तुम्हारा शरीर इविल चीजें बाहर निकाल रहा है। बेब, क्या चल रहा है? हे, वहाँ कैसा चल रहा है? चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, लोगों को हम बहुत पसंद आ रहे हैं। शिट, क्या बात है? यहाँ रहो, बाहर मत आना, चाहे तुम जो भी सुनो। जो भी मैं सुनूं? क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मुझे अपने साथ ले जाओ, बस कैमरे को स्थिर रखना। ओह माय गॉड, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है फिर से। फोन का घुमाओ, मुझे देखने दो। अलायस, मैंने कहा था बस मुझसे दूर रहो, मैंने कहा था। जीसस, क्या तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? क्या? सिरिना, वो पागल हो रही है, मतलब भाषाओं में बात कर रही है। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे खिड़की के बाहर रखो, मुझे गिराना मत। ये लो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? नहीं, मैं बस तुम्हें ही सुन सकता हूँ। हमसे दूर हो जाओ। शिट। क्या बात है? मुझे लगता है मुझे फिर से मेरी दवाइयाँ शुरू करनी होंगी। मुझे चीजें सुनाई दे रही हैं और पागलपन भरी चीजें सोच रही हूँ। इसके बारे में बात करते हैं जब मैं वापस आता हूँ। वो वापस आ रही है, ठीक है बेन, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं ठीक रहूंगी। बाय। रुको, क्या? ये कमाल का था, सच में। काश मैं उसे फिल्म कर रही होती बेन को फेस टाइम करने की जगह। तुम्हें अच्छा लगा? तुम उस पे क्या चिल्ला रही थी? वो ग्रीक या किसी चीज जैसा सुनाई दे रहा था, वो शब्द थे जो वो सुनना चाहता था। वो अब हमें और परेशान नहीं करेगा। Amber.
एम्बर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? नहीं, मैं सो नहीं पा रही। अंदर आ जाओ। ना, क्या बकवास है? तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं पिल ले रही हूँ। मेरा यकीन करो, तुम प्रेग्नेंट हो। नेगेटिव मत हो, ये उत्तेजित करने वाली बात है। तुम्हें ये चाहिए था, है ना? हाँ, मैं ये चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वेल, जिंदगी सरप्राइज से भरी हुई है। ये ताकत और क्रिएटिविटी के लिए है। पियो, तुम दो लोगों के लिए खा रही हो अब। ये लंच तक काफी होगा। मेरा एक अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं, बाय। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ बेन, काश तुम यहाँ होते। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ बेब। सिरिना कैसी है? वो ठीक है। हे, तुम्हारे पास कुछ दिन की छुट्टी है अगले हफ्ते, क्यों ना तुम घर आ जाओ, मैं टिकट खरीद लूंगी। मैं ये नहीं कर सकता बेब, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे पीआर और सबके लिए होना पड़ेगा। चलो भी, योको मत बनो। ठीक है, जो भी हो, मैं तुम्हें मिलूंगी जब तुम्हें मिलूंगी, ठीक है? Ben? Ergo Draco Omine, Sissimo Te Pare Satanica. 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 Ergo Draco Domine, Sissimo Te Pare Satanica. Ergo Draco Domine, Sissimo Te Pare Satanica. Ergo Draco Domine, Sissimo Te Pare Satanica.
हे बेब, क्या चल रहा है? मैं सच में अभी बात नहीं कर सकता, हमें वीडियो शूट कर रहे हैं। तुम कहाँ हो बेन? मोरो बे, क्यों, क्या चल रहा है? मैं चाहती हूँ तुम घर आ जाओ, मैं चाहती हूँ तुम अभी घर आ जाओ। एम्बर, चलो अभी यार, हमने इसके बारे में बात की थी। नहीं, कुछ शैतानी चल रहा है। Going on. सिरिना, वो नहीं है जो वो कहती है, वो है। कसम से एम्बर, बस काइजर के पास जाओ, वापस अपनी दवाई शुरू करो। वो मुझे सच में डरा रही है बेन, मुझे लगता है वो हमारे बच्चे को चोट पहुंचाना चाहती है। क्या एम्बर, क्या तुम्हें छल दिखाई दे रहा है? हमारा बच्चा नहीं है। हाँ, हमारा है, अब है, हमारा बच्चा मेरे अंदर बड़ा हो रहा है। ओह शिट। एम्बर, जीसस, ये पागलपन है, मुझे लगा था तुम पिल ले रही हो। मैं ले रही थी, और मैं तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है हम उन 9% में से एक हैं जो क्रैक से फिसल जाते हैं। ठीक है, मेरा मतलब, ओह शिट। मेरा मतलब ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब बहुत जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। पहले तक हम नैनी हायर करेंगे, मैं रोड पे आ जाऊंगा बैंड बनाते हुए। हेलो, रुको, सिरिना क्या करना चाहती है? वो मुझे बिल्कुल डरा रही है, वो इतनी अजीब हरकतें कर रही है। अजीब कैसे? वो अपने बेडरूम में मंत्र पढ़ रही है, और वो एक बड़ी छुरी लेके घूमती है। वो ऐसी दिखती है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से निकली हो। मतलब ये अजीब नहीं है, मेरा मतलब वो एक गर्ल्स नाइट है बेब। और वो मुझे वो हरी ड्रिंक पिलाती रहती है, वो मुझे पूरी तरह से बीमार कर रही है, मुझे लगता है वो जहर है। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए वो हरी बकवास पीने से। किन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उससे पीछे रहने कह दो। ये फनी नहीं है बेन, ये जोक नहीं है। मुझे उसकी अजीब वुडू बॉल मेरे अंडरवियर से मिली आज सुबह। हाँ, ये थोड़ी अजीब है। हाँ, और तुम्हें पता है और क्या अजीब है? उसने मुझसे कहा कि उसने तुम्हारे साथ सेक्स किया जब मैं वहाँ सोते हुए लेटी थी। क्या? ठीक है, ये बकवास है, मैं नहीं हुआ था, मैं कसम खाता हूँ। हाँ ठीक है, बिल सोचो क्या, मैंने भी उसके साथ सेक्स किया और अब सब चीजें खराब हैं, और मैं चाहती हूँ तुम घर आ जाओ अभी, मैं तुमसे मिलूंगी जब तुम यहाँ पहुँचोगे। मैं चाहता हूँ वो जो मेरा है। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? सिरिना ने मुझसे चुराया था कुछ कीमती और बहुत खतरनाक, वो मुझे वापस कर दो और सब बैलेंस हो जाएगा। देखो, जो भी चल रहा है तुम्हारे और सिरिना के बीच, मुझे उसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना। एक पत्थर की फिंगर रिंग, एक शैतान की मूर्ति, तुमने उसे देखा है? ये पागलपन है, मुझसे दूर हो जाओ या मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तुम दुनिया को हमेशा के अंधेरे से बचा सकती हो, उस मूर्ति को चुरा लो और उसे मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। रुको, मुझे बताओ यहाँ क्या बकवास चल रही है? जितना कम तुम्हें पता होगा उतनी ही ताकतवर तुम होगी। हमारी दोस्त सिरिना पर एक शैतान ने काबू कर लिया है। शैतान? अपनी जगह पे नमक डाल लो, एक नमक का रखा जो टूटा नहीं है उसे दूर रखेगा। जितना जल्दी हो सके मुझे वो मूर्ति ला के दो, और मैं कसम खाता हूँ सब कुछ माफ कर दिया जाएगा।
उसे क्या कहा था? कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूँ। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। चल रहा है क्या? तुम ठीक हो एम्बर? रुको, मुझसे बात करो। एम्बर, क्या परेशानी है? दरवाजा खोलो। मुझसे दूर रहो। मदद करो, कोई मदद करो। दरवाजा खोलो साली कुतिया। मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे पता है तुम क्या हो। मैं बेन हूँ, बोलो। बेन, 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 मैं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे कॉल करो प्लीज। तुम साली कमीनी, वापस दो जो तुमने मुझसे चुराया है, या मैं उस बच्चे को तुम्हारे पेट से खींच लूंगी और तुम्हारे गले में भर दूंगी। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे मूर्ति दे दो या सफर करो। क्या बकवास है एम्बर? इब, क्या तुम यहां हो एम्बर?
टीरीना एम्बर कहाँ है? वो अपने कमरे में है, अजीब हरकतें कर रही है, बाहर नहीं आ रही। एम्बर क्या चल रहा है बेब? एम्बर चलो भी दरवाजा खोलो। बेन, बेन, उसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो, वो एक शैतान है। मैं क्या कह रही थी? बाहर में जाओ सेरिना, तुम एक शैतान हो और तुम्हें ये पता है। एम्बर हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलो हो जाओ, ठीक है मैं चाबी ला रहा हूँ। नहीं बेन, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मत करो बेन, प्लीज। हमें उसे शांत कराना होगा, हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते ऐसे। एम्बर बेब मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं नहीं बेन, पुलिस को बुलाओ, प्रीस्ट को बुलाओ, वो एक शैतान है। अनी शांत हो जाओ, हम दोनों मदद करेंगे। बेन अंदर आओ, जल्दी जल्दी, लेकिन नमक को खराब मत करना। क्या? चलो अभी एम्बर ये पागलपन है, चलो बेबी का एम्बुलेंस बुला लेते हैं। वो हमारे बच्चे को चोट पहुंचाना चाहती है। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा है, मेरा अंडा, तुम्हारा बीज, एम्बर का पेट। बेन नहीं नहीं नहीं, ये वो ब्लेड है जो उस बलि के लिए इस्तेमाल होगा जो हमारे बच्चे को नोरिश करेगा। ये लो, इसे ले लो, ले लो, बस हमें केला छोड़ दो। क्या बकवास है, क्या बकवास है यार। ओह माय गॉड, ये मर गई है यार। खुद को शांत कर लो, बलि की भेड़ का जश्न मनाऊं। क्या बात कर रही हो, मैं पुलिस को बुलाना होगा। नहीं नहीं, हमारे बेडरूम में एक लाश है, क्या बकवास है यार। मैं उसका ख्याल रख लूंगी। एम्बर क्या परेशानी है तुम्हारी? एम्बर क्या बकवास है? एम्बर एम्बर क्या बकवास है? ओह माय गॉड, नहीं रुक जाओ, क्या बकवास है। हमारा एक बच्चा हो रहा है बेन, मैं दो लोगों के लिए खाना खा रही हूँ,